हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हायर परचेज सिस्टम। क्वेश्चन अराइज होता है कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो दो तरीके से सेल करते हैं। फर्स्ट है कैश, सेकंड क्रेडिट। पहला नगद, दूसरा उधार। कैश सेल में क्या होता है, फुल पेमेंट वन टाइम में रिसीव हो जाता है, पूरा पैसा एक बार मिलता है। लेकिन क्रेडिट सेल में यहाँ पर पेमेंट कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ के बाद रिसीव होता है और धीरे धीरे भी करके रिसीव हो सकता है। क्रेडिट सेल भी दो तरह का होता है, फर्स्ट है इंस्टॉलमेंट और सेकेंड है हायर परचेज। क्रेडिट सेल भी दो तरीके से होता है, फर्स्ट है इंस्टॉलमेंट, सेकंड है हायर परचेज। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है इंस्टॉलमेंट, क्या है हायर परचेज। सपोज हम लोग एक टीवी परचेज करना चाहते हैं, इस टीवी का प्राइस है 50,000 और हम लोग क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। तो जब परचेस किए इमिडिएटली 10,000 पेमेंट कर दिए, तो जिस डेट को हम लोग परचेस कर रहे हैं बिगनिंग में जो अमाउंट पे कर रहे हैं, मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और एट द टाइम ऑफ परचेज जो हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं इनिशियली, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डाउन पेमेंट। मैंने यहाँ शॉर्ट में डीपी लिखा है, मीन्स डाउन पेमेंट। तो जब डाउन पेमेंट 10,000 की, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है, 40,000। इसका एग्रीमेंट ये हुआ है कि हम लोग 4 ईयर्स में इक्वल अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में करके पे करेंगे। तो इस तरह से यदि 40,000 को 4 ईयर्स में पे करेंगे इक्वल अमाउंट में, तो फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 10,000 और फोर्थ ईयर में 10,000, इस तरह से करके पेमेंट होगा। तो प्राइस कितना था, 50,000। इनिशियली कितना पे किए, मीन्स डाउन पेमेंट 10,000। तो जो रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे 40,000, वो इंस्टॉलमेंट में करके, ये हो गया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हायर परचेज क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, या दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन द बिगनिंग और एट द टाइम ऑफ सेल। शिप इज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड After the payment of last installment, क्या डिफरेंस है दोनों में। इंस्टॉलमेंट में जैसे ही एग्रीमेंट होता है, जैसे ही गुड्स सेल होता है, उसी टाइम में ऑनरशिप और टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो जाता है। इंस्टॉलमेंट में जैसे ही हम लोग टीवी परचेज किए, वहाँ पर एक इनवाइस, एक उसका एक बिल बनेगा और हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे। जैसे ही वो बिल बना, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफ़र हो गया, मीन्स इंस्टॉलमेंट में ऑनरशिप ऑफ द जो गुड्स होता है वो एट द टाइम ऑफ सेल और इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें
लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक की पेमेंट नहीं कर देते तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग टीवी परचेज किए 53rd में, सपोज़ अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम परचेज कर रहे हैं, 10,000 डाउन पेमेंट किए। जैसे ही डाउन पेमेंट करेंगे, ये इस टीवी का ऑनरशिप, ये टाइटल ऑफ द गुड्स, ये इमिडिएटली मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन सपोज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंडर परचेज कर रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले डाउन पेमेंट तो होगा ही, लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ईयर में फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही टाइटल ऑफ द गुड्स और ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। जब तक कि हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, जब तक कि हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक इस सिस्टम में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइए सेकंड, सेकंड क्या डिफरेंस है, सेकेंड क्या है। अब सपोज जो परचेजर है वो डाउन पेमेंट तो किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे किया फर्स्ट ईयर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे किया, सपोज थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर में पे नहीं कर सका, मींस डिफॉल्ट हो गया। कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है उसके साथ आर्थिक तंगी हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो ही सकता है। तो सपोज़ वो थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेलर को गुड्स वापस लेने का राइट नहीं होता है। जैसे ही वो डिफॉल्ट हो गया, सपोज वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट ड्यू है उस अमाउंट के लिए सेलर परचेजर के ऊपर क्लेम कर सकता है, उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता, गुड्स को वापस जब्त नहीं कर सकता। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या है, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, सपोज डाउन पेमेंट हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, सेकेंड भी पे कर दिए, लेकिन थर्ड ईयर में थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके, सपोज डिफॉल्ट हो गया, हो सकता है उसके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो और कोई अदर रीज़न हो, डिफॉल्ट हो गया, तो उस केस में हायर परचेज सिस्टम में सेलर जो है गुड्स रिपोसेस्ट कर सकता है, गुड्स वापस जब्त कर सकता है। क्यों भाई, इसके पीछे रीज़न क्या है, इस सिस्टम का नेम है हायर परचेज सिस्टम। जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। तो फिर आप कह सकते हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो गया, तो उसके पहले जो पे किए इसका नेम है हायर। हायर मीन्स जस्ट लाइक किराया। आप जो एसेट्स को यूज कर रहे हैं, तो यूज़ करने के बदले में ये जो आपने अमाउंट पे किया है जस्ट लाइक उसका हायर चार्जेज है, उसका किराया की तरह है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और इन द बिगनिंग ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गुड्स को सेलर रिपोसेस्ट नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता, जब्त नहीं कर सकता। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में यहाँ पर ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दें तब तक ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो एसेट्स को यूज़ करने का जस्ट लाइक हायर चार्जेज और किराया की तरह माना जाता है। इसलिए जैसे ही डिफ़ॉल्ट हुआ, हायर वेंडर और सेलर
वो उस गुड्स को इमिडिएटली रिपोसेस्ड और जब्त कर सकता है और वापस ले सकता है। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं हायर परचेज सिस्टम गुड्स को परचेज या सेल करने का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हायर परचेजर एंड हायर वेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इस बात का होता है कि हायर परचेजर जो एसेट्स परचेज कर रहा है और हायर वेंडर जो गुड्स सेल कर रहा है, उसका पेमेंट हायर परचेजर कैसे कैसे करेगा, कितने इंस्टॉलमेंट में करेगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे, क्या वो इंस्टॉलमेंट मंथली पे करेगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। इसके अलावा हायर वेंडर हायर परचेजर के ऊपर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये सारा एग्रीमेंट होता है और इसी को हम लोग हायर परचेज सिस्टम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मिस्टर ए ये मिस्टर बी को एक कार सेल कर रहा है अंडर हायर परचेज सिस्टम। तो ए सेल कर रहा है बी को, इसलिए ए क्या है, हायर वेंडर। ए सेल कर रहा है, ये सेलर है, मीन्स हायर वेंडर, और इसको हम लोग हायर सेलर भी कह सकते हैं। बी परचेज कर रहा है, मीन्स ये क्या है, हायर परचेजर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हायर परचेजर। और ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेजर। द पर्सन हु परचेज फिक्स्ड एसेट्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट इज कॉल्ड हायर परचेजर। हायर वेंडर द पर्सन हु सेल द गुड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज एग्रीमेंट इज कॉल्ड हायर वेंडर। डाउन पेमेंट क्या है? डाउन पेमेंट, उससे पहले हायर परचेज, वैसा व्यक्ति जो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा है, उसी को हम लोग कह सकते हैं हायर परचेजर। हायर वेंडर और हायर सेलर, द पर्सन हु सेल द गुड्स, वैसा व्यक्ति जो हायर परचेज एग्रीमेंट या हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत गुड्स सेल कर रहा है, उसी को हम लोग कह सकते हैं हायर वेंडर। क्या है? डाउन पेमेंट। द अमाउंट विच इज पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट द अमाउंट विच इज पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट ये क्या है? द अमाउंट अमाउंट द रिमेनिंग अमाउंट विच इज
पेड विथ इंटरेस्ट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट।